चश्मों के ग्लोबली इतने सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि Ray-Ban, Oakley, Versace, अरमानी, प्राडा, शनेल, लग्जरी ब्रांड्स भी इतने सारे चश्मे बनाते हैं। अगर कोई 500 रुपए का चश्मा बनता है तो उस चश्मे को बेचा जाता है 8,000 या 10,000 रुपए पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये चश्मे इतने महंगे क्यों होते हैं, और इसका एक ही कारण है कि इन सारे मेजर ब्रांड्स को एक ही कंपनी कंट्रोल करती है। बहुत सारे ब्रांड्स को तो ये खुद ही ओन करती है, जैसे कि Ray-Ban, Oakley, Persol, Coach और जितने भी लग्जरी ब्रांड्स की मैंने आपसे बात करी, इन सब के लिए मैन्युफैक्चर भी करती है, साथ में इनको बेचने का काम भी खुद ही करती है। अगर कोई कंपनी अलग से काम भी करना चाहती है तो या तो उनको ये खरीद लेते हैं, और अगर वो बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके सारे प्रोडक्ट्स अपने रिटेल चेन से हटा देते हैं। देखा जाए तो ये कंपनी एक ऑलमोस्ट वर्चुअल मोनोपोली की तरह काम करती है। कंपनी का नाम है Luxottica, शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो। और 2017 में ये Essilor, जो एक और बहुत बड़ी आईवीआर ब्रांड है, उसके साथ ये मर्ज हो गई। अब कंबाइंड एंटिटी Essilor Luxottica की मार्केट कैप है आज की डेट में $70 बिलियन। सबसे बड़ी आईवीआर ब्रांड है ये पूरी दुनिया की।